डॉक्टर्स ने भी तो साफ साफ कह दिया है ना कि हमारे दर्श की नजर अब दोबारा ठीक नहीं हो सकती। तो फिर तुम्हारे सोचने से वो दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल थोड़ी ना हो जाए। I'm glad मेरा दर्श बाकी लोगों की तरह नहीं है। फिर भी एक बार शांत मन से सोचो, वो लड़की अनजाने में किसी मुसीबत में पड़ जाए तो क्या हमारा दर्श उसकी रक्षा कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? रक्षा करने के लिए नजर की नहीं जिगर की जरूरत होती है, और मेरे दर्श में जिगर की कोई कमी नहीं। फिर भी राज, कट इट, वरना बातों में जिंदगी कट जाएगी। भगवान करे राजवी की सारी बातें सच हो जाएं, न जाने कहां होगी वो लड़की। मेरे हिस्से के सारे सपने भी यही देखती है और उन्हें पूरा भी करती है। मैं तो बस नाम की पिकबेन हूं, लेकिन मेरा पूरा ख्याल इसी ने रखा है। आज मेरी शादी हो रही है ना, ये भी इसी की मेहनत का नतीजा है। मुझे तो खुश होना चाहिए ना, पर मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि मेरी शादी के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा, कौन इसका सहारा बनेगा। तू चिंता क्यों करती है बंसुरी? कोई तो ऐसा घर होगा ना कि उसमें प्रकाश भरने के लिए कान्होड़ा ने अपनी नंदिनी को ही चुना है। तुम्हें क्या लगता है दर्श को ऐसे घड़ी की जरूरत है जिसे छूकर समय का पता लगाया जा सके? मॉम, वो अचानक से लाइट चली गई तो मुझे लगा छूकर वक्त बताने वाली घड़ी देखकर ना भाई खुश हो जाएंगे। दो मिनट के अंधेरे ने तुम्हें अपाहिज बना दिया। फिर क्या हक बनता है तुम्हारा कि दर्श की जिंदगी के अंधेरे के बारे में बार बार तुम उसे याद दिलाओ? नहीं माँ, मेरा 3 सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि दर्श को उस चोट से दूर रखूं, पर तुम बार बार उसकी वही चोट को कुरेद कर उसे दुख क्यों देना चाहते हो? क्या जताना चाहते हो तुम कि दर्श तुम्हारे जैसा नहीं? नहीं नहीं माँ, मेरा वो इरादा नहीं, वरना बातों में जिंदगी कट जाएगी। ये सब करने से बेहतर है बिजनेस में क्यों नहीं ध्यान लगाते? अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। जिंदगी भर देखने के बाद जब किसी की आंखें चली जाती हैं, वो जीने की आस छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा दर्श, जिस साल उसके साथ ये हादसा हुआ, उस साल भी MBA में टॉप किया उसने, पढ़ाई में तुमसे बेहतर था, बिजनेस में हाथ बटाता है, अरे फोटोग्राफी में दुनिया भर में नाम है उसका। अपने बड़े भाई के पैर की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हो तुम। तुम्हें क्या लगता है क्या है तुम्हारा अचीवमेंट? ये कि तुम देख सकते हो? I'm sorry mom, and I promise आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए अब आशीर्वाद दीजिए, पापा ने आज मुझे एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए बोला। चलिए हम आशीर्वाद दीजिए, जल्दी आशीर्वाद दी। दर्श, मैं जानता हूं मॉम, मैं भाई की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता, वो है ही इतने स्पेशल, बट थोड़ा स्पेशल मैं भी हूं। दर्श, दर्श क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे तो एहसास हुआ था कि हाँ!
चारों दर्श आ गए हो। अरे ट्रॉफी लेके है। अरे जीते रहो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे 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 क्या बात है भाई, आ गया ट्रॉफी जीत के। अरे अरे चलो चलो, माँ बेटे को बात करने दो, चलो चलो डब्बे पैकिंग करने, चलो चलो। तू मेरे साथ चल, तू जीत गया फिर से। I'm so proud of you. अच्छा तू रुक, मैं अभी आई। अब ये बता, एयरपोर्ट से सीधे यहाँ क्यों नहीं आया? मैं इंतजार कर रही थी ना, अपने दोस्तों के साथ चला गया। देखो ना कितनी गलत बात है, ऐसा कोई करता है क्या? वेरी बैड, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसके लिए। एक काम करो, पूरा दिन मुझे खाना खिलाते रहो। लंच में सूचे थप्पड़ छे खावी छे ना, ना। वैसे एक मिनट रुक, तो बैग में क्या ढूंढ रहे हो? ये ढूंढ रही हूँ, अब तक पैकेट में है। कहा था ना वहाँ ठंडी होगी, कैप पहन लेना। अरे माँ, आजकल के जमाने में ये पुराने जमाने की मंकी कैप कौन पहनता है? जरा सोचो, आप जिस लड़की के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हो, जो लड़की मेरी जिंदगी में आएगी तो रोशनी आ जाएगी, वो अगर मुझे पेरिस में मिल जाती तो इस मंकी कैप में देखी तो भाग जाती ना। Cut it, वरना बातों में जिंदगी कट जाएगी। माँ की बात माना कर, मैंने कहा था ना कैप पहनने के लिए, वहां पर -2 डिग्री टेम्परेचर था, मैं रोज चेक करती थी। अगर तेरी तबीयत खराब हो जाती तो तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता। कुछ तो सोचा कर, मैं भी तो दुनिया घूमी हुई हूँ, मेरी बात माना। सोचे कि मेरी चिंता करते करते जो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके चेहरे पे थोड़ा सा रंग वापस से डाल दिया जाए। दुनिया को लगेगा माँ बेटे दोनों पागल हो चुके हैं, होली के एक महीने पहले से ही रंग से खेल रहे हैं। हाँ तो बोलने दो, जिसे जो बोलना है। आज से 3 साल पहले मेरी जिंदगी के सारे रंग गहरे अंधेरे में बदल गए, लेकिन मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होती है माँ। यू नो व्हाई? क्योंकि आप हो ना, आप जब मेरे पास होते हो तो मेरे लिए तो हर दिन होली की तरह ही है। इसलिए हैप्पी होली इन एडवांस। हैप्पी होली। अच्छा चल तू जा और अपनी तैयारी कर, एग्जीबिशन के लिए तैयार होना है ना। चिल माँ, मुझे पता है कि मुझे क्या पहनना है एग्जीबिशन में। वो काला टक्सीडो ना बेटा, शुभ अवसर है काला कपड़ा ना पहना है। खबर थे मने, इसलिए मैंने कुछ और सिलेक्ट किया है, और मैं जो पहनने वाला हूँ वो है ये। तू ये पहनेगा? हाँ। एग्जीबिशन में कितने मेहमान होंगे? नहीं नहीं तू नहीं पहनेगा ये। क्यों? सब हंसेंगे बेटा। Am I looking funny? तू माँ का मजाक उड़ाता है, पर एक तू ही है जो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। I know. जा अपनी सारी तैयारी कर ले, एग्जीबिशन से पहले मंदिर भी जाना याद से। ग्रेट आइडिया, मंदिर के बाद मैं घाट पे भी चला जाऊंगा और फोटोग्राफी करूंगा, मुझे पता है, पर लेट मत आना। डन डील। नंदिनी तुझे ने इतना सारा सामान जमा नहीं करना चाहिए था, तू मुझसे छुपा रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तूने अपने बचाए सारे पैसे मेरे पिताई के सामान में खर्च कर दिए। अरे बिग बेन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने कसम खाई है कि तेरे साथ जाने वाले एक भी सामान को नहीं खरोच तक नहीं आने दूंगी, कान्हा प्रोमिस। LIDAR motion 17 meters. द्वारकानो घाट आवी गयो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
बिग फैट गुजराती वेडिंग द्वारका नो घाट आ जाओ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो हे द्वारकाधीश अभी तो मौसम ठीक था ये अचानक कैसे बदल गया अरे नंदिनी बंसुरी जल्दी चलो देखो समुद्र में भंवर आया है तू पहले आगे आ विजय बे तू जान है तू चिंता मत कर अरे मैं आ रही हूं मासी मासी इसको ले चल 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 हमें मेरी चिंता मत कर मैं आ रही हूं बिग बी अरे मेरे 11000 का टीवी रुको कोई आओगे नंदिनी आ विजय उतर ले अरे पे मदद अरे पकड़ो नहीं बाबा 20 मीटर दूर भंवर है बोट में कोई है क्या नंदिनी उतर दे ना बिग बेन मैं तेरे विदाई के सामान को कुछ नहीं होने दूंगी मैं नहीं कूद सकती अरे 20 मीटर दूर है भंवर जल्दी कूदो 20 किलोमीटर दूर चकरा लेकर गई थी मैं ब्रिज को लाने What? Are you crazy? सोलह मीटर दूर है भंवर जल्दी कूदो वहां से अरे 16 जोड़ी कपड़े बनाए हैं मैंने अपने बिग बेन के लिए मैं नहीं कूद सकती 11 मीटर दूर है भंवर और पीछे गई तुम्हारी नाव तो भंवर में खींची जाओगी 11000 का टीवी छोड़कर कैसे कूदूं? मैं अपनी बिग बेन की शादी पर अब नहीं होने दे सकती मैं नहीं कूदूंगी अनुरा आज ही का दिन मिला था ना तुझे मूड खराब करने के लिए मैं बता देती हूँ अगर मेरी बिग बेन के सामान को कुछ भी हुआ नहीं तो कल से बेद के लड्डू चढ़ाऊंगी भोग में हमें देख क्या रहे हो भेजो किसी को मेरी रक्षा करने के लिए अरे कोई रोको इसे नंदिनी की माँ जा रही है उसे बचाने ओह माय गॉड लड़की की माँ जा रही है वो कैसे तैरेगी हम उतने ही लाचार होते जितना खुद को होने देते वो लड़की अनजाने में किसी मुसीबत में पड़ जाए तो क्या हमारा दर्श उसकी रक्षा कर पाएगा रक्षा करने के लिए नजर की नहीं जिगर की जरूरत होती और मेरे दर्श में जिगर की कोई कमी नहीं Na
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।